तो ये है चिकन, ये आलू के साथ, और ये बैंगन बॉल है ये, और ये मछली, और ये है लौकी की साग। तो यहाँ पर इतना मिल चुके हैं मछली, इस जाल के माध्यम से पकड़ के लेके आ चुके हैं। तो फाइनली ये कुकिंग हो चुका है मछली। तो दोस्तों स्वागत है फिर से और एक नए वीडियो में। तो दोस्तों अभी मुझे जाना पड़ेगा बैंक, मतलब ATM पे कुछ पैसा निकलना पड़ेगा, उसके बाद कौनवा खरीदते हैं। तो मेरा पैसा बीजू फेस्टिवल में ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं, मुझे अभी फिर से जाना पड़ेगा बैंक की तरफ, फिर से ATM से कुछ पैसा निकलना पड़ेगा। तो अभी चलते हैं। तो प्रियंका तैयार हो रहा है, जल्दी आ जाओ, थोड़ा वेट करते हैं, वो भी आ रही है ब्लॉगिंग करते करते। सो पैन कार्ड भी मिल चुके हैं, मैं ये पैन कार्ड को मैं करेक्शन करने के लिए दिया था, क्योंकि वो सिंगर ने खा दिया था आधा हिस्सा, तो यहाँ पर बढ़वाने के लिए दिया। तो बड़ा हिसाब में बहुत इतना पैसा निकल चुका हूँ। तो मैं पैन ले यहाँ पर बहुत ही बढ़िया पैन लिया हूँ। तो मेरा साइज है 34, अनफॉर्चुनेटली मुझे 36 साइज मिल गया ये आंटी जी का दुकान से। मैं यहाँ इस आंटी जी का दुकान से हर पैंट मैं यहाँ से लेता हूँ, बहुत ही बढ़िया बढ़िया पैंट लाती है, और बढ़िया बढ़िया पैंट यहाँ पर भी है। चलो 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 भी। हाँ ये क्या है, रेडी फॉर एक्शन टाइम, किस टाइम के लिए एक्शन है? चलो कंपनी ने लिख दिया है, रेडी फॉर एक्शन टाइम। तो अभी चलते हैं। तो अभी मार्केट में गया था, मतलब वो ड्राइपिस नहीं मिला, जो कि सबके सब रह गया अपना गौर दुकान पे। तो अभी बस्ती से ले जाएंगे अपना बस्ती से। तो मेरा दोस्त आसमिन भाभी गया था, पता नहीं कहाँ गया, फोन नहीं उतर रहा है। तो अभी जाएंगे, वीडियो भी हम लोग का अपलोड हो चुका है, मेरा भी हुआ अपलोड और इनका भी हुआ अपलोड। हाँ, और मैं थोड़ा यहाँ पर अपना बाइक को धुलाता हूँ। तो बहुत दिनों से मैं वॉश नहीं किया हूँ, लगभग एक सप्ताह से ज़्यादा हो गया वॉश नहीं किया, पूरा कचरा हुआ है, गंदा गंदा पूरा, बढ़िया से वॉश करते हैं। तो प्रियंका जी मुझे मदद कर रही है। तो हमारा यहाँ पर टमाटर 1 किलो 40 रुपया, और चिकन लिया हूँ 1 kg। हमारा यहाँ पर मतलब चिकन है 280 रुपया पर किलो, तो इससे मतलब 3 किलोमीटर आगे वहाँ पर होते हैं 260। तो दोस्तों अभी जाना पड़ेगा मछली लाने के लिए। तो चिकन तो और ले चुके हैं, तो अभी लेना पड़ेगा मछली, क्योंकि नया मेहमान आ चुके हैं। ये है नया मेहमान। यानी कि मम्मी जी के दोस्त। सो अभी जाना पड़ेगा मछली लेने के लिए, क्योंकि वो मेहमान को आज खिलाने वाला है मछली के साथ और चिकन के साथ। चलिए अभी जाएंगे मेरे साले साहब के साथ, नज़दीक पे ही है मछली, लेकिन लोकल मछली नहीं है, मतलब बाहर का, मतलब पालते हैं एक फिसारे पे, और यहाँ से पकड़ेंगे मछली। तो मछली का मालिक, इसका मतलब इस फिसरे का मालिक आ रहा है वहाँ पर। तो यहाँ पर चौकीदारी करते हैं, यहाँ पर आदमी नहीं रहने से छोर लोग यहाँ से आके मछली चुरा के खा जाता है सबका सब का। कितना गहरा है ये? बहुत ज़्यादा गहरा है। यहाँ पर नहा भी सकता, पूरा पानी साफ सुथरा है, क्लीन है। तो यहाँ पर बहुत सारा मछली है, तो यहाँ पर भी कुछ मछली पालते हैं, वहाँ पर पालते हैं मछली, बड़ा बड़ा मछली लेके जाएंगे यहाँ से। तो पानी काफ़ी ठंडा लग रहा है यहाँ पर, संभाल के आना। तो बहुत ही ऊंचा है, तो यहाँ पर ये मछली के मालिक इसमें सोते हैं, और यहाँ पर सुगीतर नहीं करेगा तो छोर लोग आके इसको पकड़ के लेते हैं, तो वो मछली पकड़ रहा है। जूता लेकर जाएंगे, 1 किलो समथिंग लेकर जाएंगे, 1 किलो से हो जाएगा ना? हाँ, आराम से। यहाँ पर जाल बिछा रहा है, तो यहाँ पर मछली रहे थे, लगता एक फंस गया उसमें, तो ये ट्यूब से, अरे यार लोकल जुगाड़ से, तो मस्त लग रहा है, अरे घर भी मस्त लग रहा है। तो मछलियाँ फंस रहा है इसमें, एक तो जंपिंग करके भाग गया, एक तो बड़का मछली। ये लोग को देखने से मेरा बचपन भी याद आता है। ओ, 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 ओ वाह, बचपन के याद देखो मन फंसा होता है ये लोग को देखने से। तो यहाँ पर इतना मिल चुके हैं मछली, इस जाल के माध्यम से पकड़ के लेके आ चुके हैं। चलो अब चलते हैं, मछली ले लो, मछली बढ़िया बढ़िया मछली। तो यहाँ पर मछली सफाई कर रही है, तो रुखसा जी मुझे फिर से हेल्प करेगा ये कुकिंग के लिए। तो ये अंदर का फेट है, इसको भी कुकिंग होगा, बढ़िया से बनेगा ये भी। तो गैस यहाँ पर कुकिंग हो रहा है चिकन, लंबा लंबा आलू, किस पता नहीं इसे क्या कहते हैं, रूट जैसा होता है ये वाला आलू,
बाहर में कुकिंग हो रहा है, वो लाए तो बात कुछ भी नहीं है। अब कुकिंग होगा मछली, लेकिन टाइम ना होने के कारण से मतलब मछली फ्राई नहीं किया। ये वाला बड़का बड़का मछली अब डाल देगा। ये टमाटर ग्रेवी बनेगा, ग्रेवी वाह मस्त, वाह बढ़िया। तो अभी डाल देंगे पानी झूल, बढ़िया मस्त मस्त लग रहा भाई साहब। तो अभी डाल देंगे ये वाला धनिया पत्ता इसमें, ताकि मतलब खुशबूदार हो जाए ये रेसिपी, बढ़िया लग रहा है, वाह मस्त लग रहा है। तो फाइनली ये कुकिंग हो चुका है मछली। तो गैस यहाँ पर आ चुका है दिनार। तो ये है चिकन, ये आलू के साथ, और ये बैंगन बॉल है ये, और ये मछली, और ये है लौकी की साग। सो गैस ऐसा वाला खाना फाइव स्टार होटल में भी नहीं मिलता है, तो ये खरीदने से मोर देन 1000 रुपीज आएगा, हमारे यहाँ पर फ्री भी मिलता है। तो ये टेस्टिंग किससे स्टार्ट करूँगा मुझे पता नहीं चल रहा, क्योंकि बहुत सारे आइटम हैं, तो चिकन से टेस्टिंग करते हैं। बढ़िया समझ में नहीं आ रहा मैं क्या खाऊं, सब बढ़िया हुआ। बैंकॉन कर मछली टेस्टिंग करते हैं, बहुत ही बढ़िया हुआ। हाँ लौकी का साग, वो ये है मछली का फेटू, वाह खरवा है लेकिन बहुत मस्त है। कंफ्यूज हो गया हूँ, बहुत सारा आइटम था खाने। मछली बेहतर हुआ है, बहुत ही मस्त हुआ। सो फाइनली खाना वाना कंप्लीट हो चुके हैं, तो अभी खाएंगे सुपारी, क्योंकि खाना खाने के बाद सुपारी खाने को मांगता है, आदत हो चुका है। तो यहाँ पर वाह हो गया, मैं मिल गया 4-5। तो जंगल पे पता नहीं कहाँ कहाँ गिर गया, तो यहाँ से एक एक करके उठना पड़ेगा। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो फाइनली जग गया हूँ। तो मैं कल रात को मतलब आया था बिग बिग के बाद, बहुत ही बारिश हो रहा है हमारा यहाँ पर फिलहाल। तो ये देखिए पूरा घर का आजू बाजू में पूरा पानी से भरा हुआ है। तो पिछले रात को खाना खाने के बाद पूरा अचानक से बारिश होना शुरू हो चुका है, और गैस फिर से आ रहा है। तो गैस अभी मुझे कैसे मुंह धोना है भाई, तो छता लगना पड़ेगा। तो अचानक बारिश आ रहा है गैस, तो पता नहीं मैं कैसे अपलोड करूँ इस वीडियो को। तो मैं फिर भी जाऊंगा वीडियो को अपलोड करने के लिए, हार नहीं मानूंगा। बहुत तेज से पानी बारिश हो रहा है यार, ओ माय गॉड, बहुत तेज से बारिश। तो यहाँ पर भी यहाँ से पूरा पानी गिर रहा है, तो मेरा रूम यही है, इसमें रहता हूँ, तो रात को पानी घुसेंगे लगता है फिर से। या मेरा कलवा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है यार, कैस मेरा कलवा बहुत ही बड़ा हो चुके हैं अभी। तो अभी कालुआ बहुत ही बड़ा हो गया अभी मेरा कालुआ, कलुआ कलुआ बहुत बड़ा हो गया, बहुत बड़ा हो गया, बड़ा हो गया इतना जल्दी, हाँ बहुत ही बड़ा हो गया। सो दोस्तों बारिश के कारण मेरा अभी सर्दी हो चुके हैं, तो मैं तो सांस लेने में तरह बहुत ही तकलीफ हो रहा है, तो मुंह से सांस लेना पड़ रहा है। तो गाइस आज की वीडियो को यहाँ पर खत्म करता है, मिलते हैं कल फिर से और एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय दोस्तों, और गुड नाइट व्यू।
मिलते हैं ना, बाय।